हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएम पब्लिक स्कूल। हेयर इज अंजलि टू टीच यू सोशल साइंस। हाँ जी, जैसा कि हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज़ गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। कल हमने गवर्नमेंट का मीनिंग और उसके कार्य यानी कि उसके फंक्शंस देखे थे और हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है ये सब पढ़ा था। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम जो क्या है एक देश को चलाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारे पूरे देश में क्या फैल जाएगी, अर्थव्यवस्था क्या फैल जाए, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है या कोई भी व्यवस्था है क्या है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, फंक्शंस क्या है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या करती है, ये हमारे देश में लॉ वगैरह बनाए रखती है, ठीक है। बेसिक फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। कोई भी सोशल इशू हो, कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को खाना वगैरह प्रोवाइड करवाना है, कैसे भी लड़ाई झगड़ा, तो वो क्या सबको सॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं जो दूसरे देशों से लगती हैं वहाँ पर हर रोज़ हमले होते ही रहते हैं, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करती है। और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमारे रिलीफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब हम लोगों को खाना वगैरह वगैरह सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें क्या है प्रोवाइड करवाती हैं, हम लोगों के लिए लॉज बनाती हैं जिनका हम लोग पालन करते हैं, और अगर पालन नहीं करते हैं तो हमें सज़ा भी देती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके मीनिंग, नीड और फंक्शंस पढ़े थे, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सब आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं, किस किस फॉर्म में गवर्नमेंट बन सकती हैं, हम लोग एक तरह से ये पढ़ेंगे, ठीक है। दे आर 3 मेन टाइप और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर कहता है कि सिर्फ 3 मेन टाइप हैं जो क्या है ज़्यादातर देशों में देखे गए हैं। दीज आर डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। हाँ जी, क्या क्या है, वो डेमोक्रेसी है, मोनार्की है और डिक्टेटरशिप होती है। सबसे पहला क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र। आप इसका मीनिंग भी साथ साथ लिख सकते हैं, क्या होता है लोकतंत्र। वैसे आपको पहले जनरली बता देती हूँ होता क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का तंत्र होता है, लोग अपनी इच्छा से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं कि जो हम पर राज करे, ठीक है, जिसको हम लोग पालन करें, और अगर क्या है वो हमें नहीं मानता है या हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर नहीं करता है, तो हम उसको हटाने का भी अधिकार रखते हैं। जैसे कि इंडिया में होता है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं चुनाव लड़ते हैं, हम उन कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनते हैं वोट्स के द्वारा, और फिर क्या है उसको अलाउड करते हैं कि वो हमारे ऊपर शासन कर सके। अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या है सभी को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम चाहें तो उसको क्या है हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हटाना है, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ नहीं माननी, तो क्या पता वो हमारे वेलफेयर के लिए ही हो, लेकिन हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये लोगों के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में पीपल आर सुप्रीम, जो लोग हैं वो ही सर्वोपरि हैं। सुप्रीम क्या होता है, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, ठीक है। इट इज़ द पीपल, ये लोग ही होते हैं, हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन, जो गवर्नमेंट को क्या देते हैं, पावर देते हैं कि वो डिसीज़न ले सके। हाँ जी, अगर हम लोगों को ना चुने हमारे ऊपर रूल करने के लिए तो वो डिसीज़न भी नहीं ले सकते। इसलिए क्या है, यहाँ पर लोग ही होते हैं जो इस चीज़ का हक उसे देते हैं, एंड इन्फोर्स लॉज, और क्या है ताकि वो उनके लिए कानून बना सके। दे डू दिस, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, थ्रू इलेक्शंस इन विच इलेक्टर्स वोट फॉर द गवर्नमेंट। हाँ जी, कैसे करते हैं, हम लोग जो इलेक्टर्स होते हैं, हम लोग चुनने वाले वोट देते हैं इलेक्शंस में फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इनमें से हम क्या है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या देते हैं, वोट देते हैं। इनफैक्ट पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट एंड इलेक्ट देम। इतना ही नहीं, क्या पता हम लोग वोट सिर्फ पार्टी को नहीं, विशेष व्यक्ति को भी दे सकते हैं, कैंडिडेट्स को भी दे सकते हैं, और उसको चुन भी सकते हैं। दीज इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो ये इलेक्टेड पर्सन चुने गए हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, गवर्नमेंट से चुने जाते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पीपल। इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो ही सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कुछ गलत करती है तो वो लोगों को जवाबदेही देगी, ठीक है ना। वो ऐसा कह सकती कि नहीं हम लोग इसे अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, उसको हर चीज़ के लिए आंसर देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। इट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ये कहता है कि इसको अपने एक्शंस के बारे में, गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी उसको लोगों को बताना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट कोई लोग अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है तो गवर्नमेंट से वो जवाब भी मांग सकता है, गवर्नमेंट को अपने बचाव में जवाब भी देना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहता है ज़्यादातर देशों में आजकल डेमोक्रेटिक ही है आज
के टाइम में ज़्यादातर टाइम में मतलब क्या है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, बहुत सारी जगह पर आज है। ठीक है, ये तो था डेमोक्रेसी जहाँ पर लोगों का तंत्र होता है। सेकंड है मोनार्की। मोनार्की होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। जैसे पुराने समय में होता था राजा शासन करते थे, वही अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। ठीक है, राजा ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता था, लोगों पर चलाता था, नहीं मानता था कोई पर्सन नहीं मानता था तो उसे सजा भी वही देने का हक रखता था। ठीक है, आज भी कुछ देशों में है इन मोनार्की राजतंत्र में द हेड ऑफ रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली क्या होता है, जो मतलब वहाँ की शासक फैमिली है उसका हेड क्या होता है, नेशन का हेड होता है। ठीक है, रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन, पूरी नेशन का हेड कौन होता है, वही होता है। द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्टली द एल्डेस्ट सन। ये कहता है कि जो राजा या रानी बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हायरार्की में यानी कर्मानुसार, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें जो सबसे बड़ा ओल्ड एल्डेस्ट सन होगा वो ही क्या है, उसको आगे सक्सीड करेगा, आगे चलाएगा। इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक डिसीजन, इस सिस्टम में जो सम्राट है, मोनार्क का मतलब क्या है यहाँ पर, सम्राट, और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जो सम्राट है वही डिसीजन रहेगा लेगा एंड रन्स द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को रन करेगा विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजर। उसमें चाहे फिर वो किसी मंत्री को भी रख सकता है कुछ एक को, या फिर क्या है सलाहकारों को भी रख सकता है किसी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए। द किंग और द क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड देयर डिसीजन टू एनीबडी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो राजा है या रानी है उसको अपने हर कार्य के लिए प्रजा को बताना पड़े कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। जैसे डेमोक्रेसी में तो क्या था, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि ऐसा क्यों किया तो उसको जवाब, वो पर्सन जवाब ले सकता है और गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर राजा या रानी कोई ऐसा कार्य करते हैं तो वो कोई भी पर्सन क्या है जाकर राजा या रानी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, जैसे कि मोरक्को है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है, मोनार्किकल फॉर्म है, यहाँ पर राजा तंत्र करता है। जैसे कि इसमें एक पिक्चर में दिखा रखा है क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। आप आज भी जानते हो कि एलिजाबेथ क्या है, इंग्लैंड की रानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डिक्टेटरशिप क्या है, डिक्टेटरशिप यानी क्या होता है यहाँ पर, तानाशाही। ठीक है, तानाशाही में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर ज़बरदस्ती क्या है, हक जमा लेता है और उसके ऊपर तानाशाही यानी कि अपना शासन करता है। जैसे हमारे टाइम कुछ समय पहले अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, मतलब भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था और हम लोगों से क्या है, हमारे ऊपर राज करते थे, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन डिसीजन होते थे वो सबके सब वो लेते थे। ठीक है, इन द डिक्टेटरशिप, इस डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही में पीपल हैव नो राइट, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। All the power rests in the hands of one man. जितने भी powers हैं, जितने भी decisions हैं वो केवल एक व्यक्ति लेता है। That is, there is a single ruler with absolute power. यहाँ पर सिर्फ एक ruler होगा यानी कि एक शासक होगा जिसके पास पूरी शक्ति होगी। Most dictators gain power either through a military takeover. यहाँ पर जो डिक्टेटर है यानी कि तानाशाह है वो ज़्यादातर ये पावर कहाँ से मिलती है, सेना से। वो सेना का बल इस्तेमाल करके दूसरे राज्य पर क्या कर लेता है, अधिकार, और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर, या फिर क्या है दूसरे राजा से उसका हक छीन लेता है। ठीक है, लड़ाई कर। इन द सिस्टम सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग। इस सिस्टम में जो सिटीजन है यानी कि किसी देश के सिटीजन, वहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते गवर्नमेंट से और उसके कार्य के बारे में नहीं पूछ सकते। ए सिटीजन इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट बट इज ऑलवेज ए मर्सी, मर्सी होता है दयनीय, मतलब उसका दया का हमेशा, दया मर्सी क्या होता है, दया। ये सिटीजन क्या होता है यहाँ पर, कोई भी वो मास्टर नहीं होता, मतलब वो अपने मर्जी का मालिक नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा अपने तानाशाह यानी कि जो उसके ऊपर राज कर रहा है उसकी दया का भूखा होता है। ठीक है, यानी कि वो दया करेगा तो उसका कुछ हो सकता है, नहीं तो वो क्या है हमेशा उसका सेवक बन के रह सकता है। ठीक है, रहेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ है पाकिस्तान में, सादम हुसैन ऑफ इराक वर एग्जाम्पल ऑफ सच डिक्टेटर्स।
ये सादम हुसैन है इराक में और परवेज मुशर्रफ है पाकिस्तान में। ये क्या है? डिक्टेटरशिप, यानी कि क्या है? तानाशाह के एक एग्जांपल है। हाँ जी, आई होप आपको समझ आया होगा कि डेमोक्रेसी में लोगों का तंत्र होता है, लोग अपने राजा को चुनते हैं, ठीक है, मतलब शासन करने के लिए एक पर्सन को चुनते हैं। हमारे देश में क्या है, नरेंद्र मोदी जी को चुना है। इसी तरीके से दूसरा है मोनार्की, इसमें क्या है, राजा का बेटा राजा बनता है। इस तरीके से वो पूरे देश का शासन चलाते हैं, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन ज़बरदस्ती दूसरे का शासन छीन लेता है, वहाँ पर तानाशाही चलाता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा, कोई ना तो क्वेश्चन रेज कर सकता है ना ही कुछ। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? फंक्शन पढ़ लिया गवर्नमेंट के, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कितने मिनट का रिकॉर्ड हो गया?